तो भाई लोग, आज मैं चैन के और यंगस्टर्स को डिस कर रहा हूँ और मैं पूरे होशो आवाज में ये कह रहा हूँ। और इस डिस के अंदर चार जबानें हैं, एक इंग्लिश, एक पंजाबी, एक उर्दू और एक जबान जो मैंने खुद निकाली है। तो मैं तैयार हो जाऊँ ज़रा। तो खैर, अब मजाक, सीरियस हो जाओ, बस बहुत हो गया। अब 1 1 2 3 गो। या, रैप 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 चन के ग्रे हेयर साइड 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 डिस 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 यू आल्सो डिस चन के चाइना 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 यंग सर रैप गॉड आई रैप गॉड आई रैप गॉड आई सीट आई ईट आई स्लीप आई स्के या अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में ये ऊपर मेरी टोपी नीचे मेरा टोपा तू है मेरी खोती में हूं तेरा कोता ओ माय गॉड क्या रैप डिस 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 टिंटना टिंटना डिं 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 कैसा दिया दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत जग में सब कहेंगे मर गया मादा। तुम लोग सोच रहे होगे कि न्याजी को आज कौन सी कुत्ती काट गई है। तो भाई इस कुत्ती को कहते हैं सस्ती शोहरत। रिसेंटली मैं बैठा हुआ था, बहुत वेला, हमेशा की तरह वेला, तो बैठा हुआ और मैं रिसेंटली कुछ डिस सुन रहा था पाकिस्तान के जो जो निकले हैं और जो पीछे सीन निकला है। तो उसमें मुझे एक बंदा मेरी आंखों के सामने रोशन सितारे की तरह आ गया है। इसका नाम है बिलाल मजिद। तो भाई बिलाल मजिद, बिलाल मजिद, बिलाल मजिद, हम लोग बिलाल को, मेरा एक दोस्त है, हम बिलो मोरी बोलते हैं, लेकिन अब इसके साथ जो मैं करूँगा तो बिलो मोड़ा हो जाएगा। तो खैर, अब बिलाल पे हम बात करते हैं। भाई बिलाल ने भाई रैप निकला और गाना निकला जिसका नाम था, क्या नाम था भाई, नाम था फेक स्टनर्स। पहले तो मेरे को समझ नहीं आई कि यार इसने ये गाना निकाला क्यों है। मतलब डिस करने की ना जिंदगी में कोई वजह होती है। यंगस्टर ने चनके को डिस किया, चलो कोई पड़ा था, चनके ने जवाब दे दिया, जाहिरा उसकी वजह बनती थी। सनी खान ने उसका साथ दिया क्योंकि वो उसका दोस्त था। रैप डीमन ने यंगस्टर्स का साथ दिया क्योंकि कोई वजह थी, उसका दोस्त था। ये बंदे को तो मैंने कभी मतलब रैप सीन के अंदर सुना ही हुआ, मतलब खोते को भी नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन क्या हिसाब किताब है। फिर मैंने की इस पर ज़रा तहकीक, मैं घुसा इसके अंदर। अंदर घुसने के बाद मुझे पता चला कि इसने एक एक व्लॉग बनाया हुआ जिसके अंदर ये चनके के मीटअप पे गया था। मतलब ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं चनके को पसंद करता हूँ, मैं चनके के मीटअप पे गया, यहां से उसको डिस कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने जाना था अभी चनके के जो रिसेंटली मीटअप हुआ था जिसमें सनी खान दुरानी भी गया था, मैंने जाना था, मैं जा नहीं पाया, कुछ मसले आ गए थे इसलिए मैं गया नहीं। तो क्या मैं चनके को, चनके की साइड पे हो जाऊंगा? और अगर मैं हो गया तो मैं डिस निकाल दूं। मतलब मैं नहीं खेलता, बंद करो, बस सारी चीज़ें हटो, बस ख़त्म ख़त्म, दुनिया ख़त्म, मैं जा रहा हूँ, मेरे को मुक्ति चाहिए। और बस मतलब डिस गेम ये चीज़ है। अबे क्या हो गया यार, तूने बिलाल तूने लगाई तो नहीं है, लगा के तो नहीं आया, दिमाग तेरा पागल तो नहीं होया? मतलब तुझे अगर यंगस्टर्स नहीं पसंद या किसी को नहीं पसंद, मेरे को नहीं पसंद, मैं डिस कर दूँ? अबे तेरा लेना देना क्या है? अच्छा खैर, मैंने सुन लिया, मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, बंदा इंसान पागल हो जाता है। उसके बाद जी जहरी बात है, लानते तो ऐसे बंदा फेंकता है जैसे पता नहीं स्वाब का काम है। आई अगला गाने का नाम निकाल दिया हेट। अबे यार, अबे तू है कौन? पहले तू खुद गाना निकालता है जिसमें लोग तेरी बजाते हैं, फिर तू गाना निकाल रहा है कि भाई लोग गलत है, मैं सही हूँ। अब मुक्की मारना तेरा, सीरियसली अरे सीरियसली, तो हिप हॉप को मजाक बना के बैठा हुआ है, तूने मिक्स और मास्टर सीख लिया इसका, तो तुझे रैप आना शुरू हो गया भाई। ओ भाई, गर्मी ऊपर से तेरी ये हरकतें मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। फिर कहते हैं पाकिस्तान के अंदर हिप हॉप सीन नहीं पैदा होता। अबे तू है कौन, तू है क्या, तू रैपर, तूने पाकिस्तान में एज ए रैपर क्या चीज़ दिया है? क्या तूने कोई सोशल मैसेज, क्या तूने किसी लड़की पर निकल, क्या तूने रैप से लोगों को इंटरटेन किया मेरा? तूने कुछ भी नहीं किया, और सिर्फ और सिर्फ इसे कहते हैं सस्ती इंटेंशन। ये अटेंशन जो होती है डिंचक पूजा ने भी पाई जिसमें कुत्तों वाली हुई, और ये इंटेंशन तूने भी पाई
जो कि क्या था यार, ये क्या था। खैर मैं बर्दाश्त कर गया और उसके बाद एक और ट्रैक मेरे आगे आया, ओहो लॉकडाउन यंगस्टर्स 18+, एक और डिस यंगस्टर्स के नाम। अबे यार सही सी बता, सुता तो नहीं उठा, बाल तो नहीं तेरे खिल रहे, तू पागल है? मैं माता चोलू, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। मतलब यार मुझे सीरियसली समझ नहीं आती कि लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए अपने आप को कोड़ा करने को क्यों तैयार हो जाते हैं। मतलब पाकिस्तान के पास इतना कमाल का रैपर है इस टाइम पे, जो मुझे लगता है आने वाले वक्तों में बहुत नाम कमाएगा, फादी। मैं समझता हूँ हाशिम नवाज इतना कमाल का बंदा है, वो आगे जाके इतना नाम कमाएगा। उसने कभी इस तरह की फजूल इंटेंशन नहीं पाई कि यंगस्टर्स को चैनके को डिस कर मैं नाम कमा लूँ और ये कर लूँ वो कर लूँ। तेरा तो भाई रोजी रोटी तेरी अगर स्टार्ट हो रही है एज ए रैपर तो डिस के नाम पे स्टार्ट हो रही है, यंगस्टर्स के नाम पे। तूने कुछ नहीं दिया, तूने कोई सोशल टॉपिक नहीं उठाया, कोई फैंटेसी नहीं उठाई, कोई लड़की पे गाना नहीं लिखा। बोल तू कर क्या रहा है, करना क्या चाहता है भाई, तेरा दिमाग कोई चलता है? दिमाग है तेरे पास? खोते खा खा के खोता तो नहीं बीच में तेरे फिट हो गया? फिर मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार, चलो हो जाता है इंसान पागल हो जाता है, चूतिया कभी कभी इंसान हो ही जाता है, गर्मी में वैसी बुन फटी होती है लोगों की, तो कोई बात नहीं दिमाग भी फट जाएगा, कोई मसला नहीं है। मेरे जेहन में मतलब धमाका हुआ जब मैंने ये लाइन सुनी। ये लाइन तुम लोग भी सुनो, ये सुनने के बाद आप तमाम बच्चों को कहें कि अपने कान साफ जरूर कर लेना, नहीं तो ये मर्ज बन जाता है। तुम्हारा वर्ड प्ले तही बिना लस्सी लगे। मतलब तुम्हारा वर्ड प्ले यंगस्टर्स को कह रहा है, तुम्हारा वर्ड प्ले दही बिना लस्सी लगे है, बहुत अच्छी बात, ताली चूतिया। तू तेरे को वाकई में नहीं लगता, मतलब ना तेरे गाने में कोई फैक्ट ठीक है, ना तेरी सवाय राइमिंग के, उसके अलावा सारा गाना टट्टी। इंग्लिश तेरी ऐसे जैसे जॉनी सिंह ने पीछे से तेरे आले डाला हो, मुंह से निकला हो। मतलब तेरे को अभी एज ए रैपर कोई परफॉर्मेंस ही नहीं तेरी को निकल रही। जिस तरह की तूने ए फॉर एप्पल और बी फॉर बोंड वाला रैप किया ना, इस तरह का तो मैं भी कर सकता हूँ, अभी तुझे मैंने करके दिखाया कैसा रैप लगा, तेरे से 100 गुना ज़्यादा अच्छा था। अभी देखिए लोग पसंद करेंगे, लोग कहेंगे यो न्याजी सिंह एक और रैप हो जाए। कुल मिला के बात यह है कि भाई थोड़ी मेहनत कर, टाइम दे, ना मेहनत की ना हसल की, सीधा अबू को उंगल कर दी। किस वजह से, क्या चाहता है तू? चैनके को मोहब्बत करता है, लाखों लोग हैं जो चैनके को मोहब्बत करते हैं, मैं चैनके को मोहब्बत करता हूँ, क्या यंगस्टर्स पर गाना निकाल दूँ, यंगस्टर्स पे डिस निकाल दूँ, या मैं यंगस्टर्स को पसंद करता हूँ मैं चैनके पे गाना निकाल दूँ? चैनके 4 साल बाद आज जो भी है जैसा भी है, लोग उसको पसंद करें ना पसंद करें, इधर चढ़ाएं उधर चढ़ाएं, तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? तू क्या है एज ए इंडिपेंडेंट, तूने कोई गाना दिया इससे पहले? रैपर है, रैप का करियर क्या डिस से शुरू होता है? मतलब तेरे को कौन जानता है? तुझे इंटेंशन चाहिए थी, मैंने दे दी तेरे को, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? यंगस्टर्स उस वक्त के हैं जब चैनके भी नहीं था, जब साले ब्लैकबेरी के मोबाइल जो चाइना के चलते थे ना वो ले निकलते थे, कितने रैपर्स आए कितने रैपर्स गए, आज भी वो कायम है। आज जाकर उन लोगों ने खुद बोला है कि भाई हम पैसा कमाना शुरू हुए हैं एक अच्छे रैपर की तरह। तू कौन होता है चैनके और यंगस्टर्स की स्ट्रगल के बीच में आने वाला ब्रो? रैप डीमन यंगस्टर्स का दोस्त है, एक प्रॉपर रैपर है। इसका जो डिस आया था वो इस वक्त पिछले साल का सबसे कमाल तरीन डिस था इंडिया और पाकिस्तान के हिसाब से पिछले साल का, सब लोगों ने इसको माना। चैनके एक अच्छा रैपर है, काफ़ी उसके गाने बहुत अच्छे होते हैं, कुछ गानों में लोग नहीं पसंद करते, इसका मतलब यह तो नहीं है कि भाई तू बीच में अबू बन के हे 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 टिकटॉक तो नहीं इस्तेमाल करता। बैठे तू टिकटॉक इस्तेमाल करता, ऐसी चूतिया हरकत सिर्फ टिकटॉक स्टार ही कर सकता। नहीं 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 तेरा मैं पीछे से मैं अगर गारंटी ले लो, तुम में से जो इसको जानता ना ये टिकटॉक इस्तेमाल करता होगा, मुझसे गारंटी ले लो, ऐसा चूतिया दिमाग बंदे का जब भी होता है जब इंसान है टिकटॉक पे आ जाता है। बात यह है कि हर इंसान मेहनत करते हैं, तेरे जैसे लाखों रैपर हैं और तेरे से लाखों गुना ज़्यादा अच्छे रैपर हैं जिनके मैंने नाम तुझे बता दिए हैं, फादी, हमजी, EMD नेशन और भी पता नहीं कितने रैप थे और पता नहीं कितने कितने रैपर हैं बहुत कमाल के, तेरे से मटेरियली बहुत बड़े और बहुत आगे हैं। तू अभी शुरू भी नहीं हुआ, तूने अभी डैपर में एक पैर दिया, अभी तेरे डैपर में 2 पैर आ भी नहीं रहे पूरे, ठीक है ना? तो तू भी रैप कर, मिक्स और मास्टर करने से इंसान रैपर नहीं बन जाता, वो सिर्फ आपको एक हुनर दे देता है, वो हुनर तेरे पास आया तू समझा तू रैपर बन गया। पहले रैप कर, मेहनत कर, हसल कर, टाइम दे दिमागी तौर पर,
क्या पता कल को तेरा कोई ऐसा गाना आया जिसपे मैं इंतजार कर रहा हूँ बैठ कर के, यार भाई आज बिलाल का आया, लेकिन बिलाल बिल्लो मोरी तो लगा है, बल्कि जैसे मैंने तेरी हरकत कर दी है तू बिल्लो मोरी नहीं बिल्लो मोरा है, तेरा नाम मैंने रख देना बिल्लो मोरा जब तक तू डिस्क आता रहेगा, बिल्लो मोरा 69 बिल्लो मोरा। भाई मेहनत कर, मेहनत कर, काम कर, उम्मीद है तू जिंदगी में कामयाब हो जाए। इस तरह के काम करके ये तो डिंचक पूजा भी कर सकती थी, ये तो ताहिर शाह भी कर सकता था, कोई भी कर सकता था। ABC वाली राइमिंग छोड़ दे, कुछ कर ना बुन दे कोई फ़ायदा नहीं, जितना कोटा होगा पठान उतना ही देरी लेगा। मिलता हूं तुमको किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए यो यो नियाजी सिंह। Yes, six short से दूं तुझे headshot, rap छोड़ जाके पैसों पे बिक तू, fame के दल्ले बना जाके TikTok, backseat मेरे boys करे chill, जो मैंने है फाड़ा वो पाया ना सिल, ले मुंह में और चल बेटा hill, मैं किसी का खपा नहीं ये मेरे skill।